राजवा करना। मैं यूएस गया था कुछ अपने व्यक्तिगत हेल्थ चेकअप के लिए और मेरी वापसी भी 10 दिनों की। मैं नवंबर में गया था बट हेल्थ चेकअप के तहत में ही कुछ ऐसी बातें हो गई, मुझे वहाँ रुकना पड़ गया 7-8 महीने करीब मैं वहाँ रुका। उस बीच में मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, ये कृष्ण थे तो वो बड़े सोशल थे, हमारे पास रोज आते थे शाम को जाए नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इतने ब्रिलियंट आदमी हो और इतने दिनों से यूएस में हो तो अपने को तो एक लोगों को अपने लोग में उनको एकत्रित करके क्यों नहीं बात करते, तो बोले नहीं आपसे बात करूँगा। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको आना है मेरे पास नीति चौका आपको। मैं उनके निवास स्थान पर गया, 200 लोग थे उनके पास और वो सभी बिहार से लोग थे। उसमें इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे, किसान भी थे। तो उसमें से जो किसान थे उन्होंने कहा कि सर कल आप जो है हमारे कल्टीवेशन फार्म हाउस पे आइए और वहाँ पर अच्छा नाश्ता होगा आपको करना। वो संडे का दिन था, मैं गया हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि 4 लोगों ने मिलकर 80 एकड़ के फार्म हाउस को एस्टैब्लिश किया हुआ था और वही लोग चला रहे थे, पास में कोई व्यक्ति नहीं था। सारे मशीनरी चीजों को लेकर कल इतने सिस्टमेटिक ढंग से कि हमारे यहाँ देखिए अगर किसी के पास 4-5 एकड़ की भी है तो वहाँ आपको 10-20 मजदूर नजर आएंगे, उसके जो और लोग हैं वो मार्गदर्शक हैं देने वाले वो नजर आएंगे। पर वो अद्भुत दृश्य है। फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे यूएस से आने के लिए कल्टिवेशन के लिए कुछ मार्ग खुला हुआ है, बाकी लोगों के लिए मार्ग अभी बंद है, वहाँ पर कोई भिक्षा वगैरह सब तक नहीं ग्रांट होता, लेकिन ये सेक्टर खुला हुआ है। उनके साथ उनके बगल में फार्म हाउस का सरदार ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया, भाई मुझे जरा वहाँ भी चलना है। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने उनसे बातें की, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले वो यहाँ नौकरी करने आए और वो 6 भाई थे चंडीगढ़ से पंजाब साइड से थे। उन्होंने जो अपनी घटना बताई कि किस प्रकार से उन्होंने कर दिए, मतलब मल्टी मिलियनर हो गए, ऐसी ऐसी फार्मिंग उन्होंने की कि जो दवा बनाने के लिए अस्सी के लिए जो प्लांटेशन होते हैं वो प्लांटेशन उन्होंने किया। उसी तरह मैं फिर कनाडा गया, कनाडा में जब पीटी का फाउंडेशन किया तो मैं कनाडा गया था, तो वहां भी मैं 2 आदमी से मिला था, एक आदमी 81 साल के उनके पास से दोबारा गया, मेरे को 12 दिन की छुट्टी मिल गई थी तो मेरी बेटी वहीं है तो मैं चला गया था वहाँ। तो मैंने बोला भाई मुझे वहाँ भी जाना है, मैं आज से 3 साल पहले आया था, मैं देखना चाहता हूँ क्या है, मतलब अद्भुत दृश्य है। बाहर में जो सिस्टम है काम करने का वो सिस्टम हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए, जैसा अभी ने कहा कि हमारे पूर्वज जो थे हम लोग सभी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसान सब कुछ था, तो आज उसको हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत। दूसरा मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 8 महीने से प्रदीप बाबू से संपर्क में था, मैं बहुत कुंडली बात करता रहता हूँ कि मैं क्या कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंटरनेशनल चैप्टर खोलने में सक्सीड किया। उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया से ही हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं और तमाम जगहों से हैं। तो एक डॉक्टर चरण सिन्हा हैं, वो वर्ल्ड के 3rd यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उनके साथ में मीटिंग में करीब 20-22 डॉक्टर सही लोग तैयार हैं, पर बाहर जो लोग हैं हमारे उनके दिमाग में कुछ चीजें चलती रहती हैं जिसको मैं कोर रूप में डिस्कस करूंगा कि उसमें वो तमाम लोग आने को तैयार हैं और बल्कि वो इतना तक कर गए कि बेहतर हो कि एक कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ भी हो जाए, वाशिंगटन डीसी में भी हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसको करने के लिए हमें ग्रास रूट पे बहुत सारे काम करने होंगे और मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा कि हम लोगों को चाहिए कि हमारी 1 साल की उपलब्धि क्या रही है, इसके लिए एक अचीवमेंट बुक जो है छपा है कि हमने कितने लोगों को आज तक क्या फायदा होता है और आगे हमारी प्लानिंग क्या है। हमें थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन और पावर भी करना हो, थिंक टैंक बनाने की जरूरत है, छोटी छोटी सब कमेटी थिंक टैंक जिससे कि वो इसको और निश्चित रूप से आगे ले जाए और डिफरेंट सेक्टर में लोगों को रखें, एक स्टेट में दिल्ली में जहाँ पर इसकी जागरूकता ज्यादा है। और मुझे जो समझ में आया है कि जो बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं
उनके लिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाहर गए हैं, लाइक कैनेडा, लाइक यूएस, लाइक ऑस्ट्रेलिया। मैंने उसमें काफी काम किया है, क्योंकि 8 महीने मेरे पास कोई काम था नहीं। मुझे डॉक्टर से बिल्कुल बेडरेस्ट में रख दिया था, और मैं मेरे पास टीवी था, मेरे पास नेट थे, मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग इससे कमिटी बना करके, एक ग्रुप बना करके, खास करके जो इसके संबंधित लोग हैं, तो हम लोग आगे भी बहुत कार्रवाई कर सकते हैं। बट हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और वो ट्रांसपेरेंसी हम लोगों को इंटरनेशनल चैप्टर के लोगों को कनेक्ट करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि तमाम लोग बहुत पढ़े लिखे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कर सकते हैं हमको, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं हमको, सक्सेसफुल डॉक्टर्स कर सकते हैं हमको। थैंक यू, धन्यवाद। मीटिंग में मुझे कॉल करने के लिए और आज के सभागार में उपस्थित मंच के समक्ष सामने और मंच के ऊपर आसीन सभी महानुभावों का मैं जय भारत, जय संविधान, जय अंबेडकर, जय साहू जी महाराज। आज की जो मीटिंग है समृद्ध भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तकरीबन यही काम आज से 100 साल के ऊपर हमारे साहू महाराज ने कर चुके। वो कुछ नहीं था, वो यही था समृद्ध बहुजन चैंबर ऑफ कॉमर्स था। क्या किया उन्होंने, हमारे लोगों की भागीदारी जब नहीं थी, हिस्सेदारी नहीं थी उनके राज्य में, जब देखा हर जगह एक वर्ग विशेष जाति के लोग भरे पड़े हैं, तो उन्होंने यही तो किया था। उनके लिए जो 50% की भागीदारी फेस की थी, इतना ही नहीं उनके लिए कॉलेज है, हॉस्टल है, सारी व्यवस्था की हुई है। तो आज जो हम भारत की बात करने जा रहे हैं वो उस समय ही एक तरह से समृद्ध बहुजन चैंबर ऑफ कॉमर्स था उनका। तो अगर हम साहू जी महाराज की बातों को ही आज के जमाने में उतारने दें तो हमारा काम हो जाए। आपने बहुत अच्छी बात एक रखी है, एक इकोनॉमिक जस्टिस। हम बार बार कहीं जाते हैं सोशल जस्टिस की बात करते हैं या तो पॉलिटिकल जस्टिस की, इकोनॉमिक जस्टिस की बात बहुत कम नजर आता है। पॉलिटिकल में कई कोई लाल झंडे वाले आते हैं, वो थोड़ा बहुत ये बात करते हैं और उम्मीद करते हैं धन और धरती बट के रहेगा मेरा वाला छोड़कर। तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस देश में। तो जब तक ये इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा तब तक ना तो आपका सोशल जस्टिस हो पाएगा ना तो पॉलिटिकल जस्टिस हो पाएगा। अगर आप देखें आज के समय में दो समुदाय, एक पारसी ले लें एक जैन समुदाय, ये 140 करोड़ में इनका मुश्किल से 54% है, ये 35 लाख लोग, लेकिन इनका आर्थिक पावर जो है पूरे भारत पर 54% का होल्डिंग इकोनॉमिक वर्ल्ड में पूरे भारत पर उसका 100%। और एक वर्ग है 3% जो सामाजिक सत्ता उसका है पूरे भारत पर। तो आप 90-85 खूब कहते रहिए, लेकिन जब तक आपके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगा ना आपके पास सोशल जस्टिस आएगा ना ही आपके पास पॉलिटिकल पावर आएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो आज तैयार हुआ है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है और हम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन हमने सामूहिक और सार्वजनिक रूप से ये काम नहीं कर पाया है। मैं कई देखता हूँ जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में लीजिए, कोई इंडस्ट्री में लीजिए या सरकारी विभाग में लीजिए, तो SC ST के वहां पर यूनियन चल रही है और इतने यूनियन है कि अगर वो चाहते तो अपने लेवल पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड चाहता तो एक इंजीनियर कॉलेज बना सकते थे, यूनिवर्सिटी बना सकते थे, मेडिकल फील्ड के हमारे लोग चाहते मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकते थे, एडवोकेट्स लोग चाहते तो अपना एडवोकेट के लिए हम अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लॉ यूनिवर्सिटी बना सकते थे, लेकिन हम कर क्या रहे, सिर्फ हम इंतजार करते हैं कि सत्ता में जाएंगे तो भाई सरकारी चीज होगा वो हमारी हो ना, आप सत्ता में कभी जाएंगे ना कभी आपकी हो, हम इसी इंतजार में बैठे हैं। तो आज कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमारा दुश्मन है या जो हमारा विपक्ष है वो हमेशा अपनी तैयारी कर रखा है। आज गांव-गांव में, कस्बे में उसका सरस्वती शिशु निकेतन है,
उनका जो है वनवासी कल्याण केंद्र है, क्यों है? और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि 100 साल पहले वो नाम था, लेकिन काम उसने जो असली शुरू किया था यही 80 के दशक से शुरू किया था, हमसे 10 साल पहले शुरू किया उसने काम। 90-92 में आपके मंडल कमीशन आता है, तो इसी के पहले उन्होंने ही ये 10 साल ज्यादा शुरुआत हुआ उनका काम का। जो भी मंडल कमंडल के जो चले हैं मामले वो सारे 80 के दशक से शुरू हुए, तो इसलिए हमसे बहुत ज्यादा पहले काम कर लिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से हमें मिला था कुछ उसके बाद हमने क्या किया उसके, तो ये सारी चीजें हैं कि आज के जो जन्मदिन पर हम जमा हुए हैं शाहजी महाराज के, और आज जो हमें पहली वर्षगांठ मना रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो इन अवसर पर हमें ये चीजें बता तैयारी करनी पड़ेगी अपने लेवल पर कि आज जो हमें कहा जाता है कि 2% नौकरियां हैं सरकारी क्षेत्र में, 98% आपका जो है प्राइवेट सेक्टर में है, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर 1 करोड़ नौकरी भी मान के चले सरकारी क्षेत्र में है 2%, तो 50 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए था बाहर में। कहाँ है वहाँ 50 करोड़? 50 करोड़ में फिर हम कितने हैं? तो ये सारी चीजें देखने की है। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारी भागीदारी जो सत्ता और समाज में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के लिए। आर्थिक सत्ता बहुत जरूरी है, जिसके हाथ में आप आंकड़े से देख लीजिए कि 94% वाले की आज आर्थिक सत्ता है और 3% वालों की जो है सामाजिक सत्ता है। तो इस चीजों को समझने के लिए हमें अपने महापुरुषों के किए कार्यों को ही सिर्फ हम दोहरा दें, उन्हीं को हम फिर से अगर खड़ा कर दें तो हमारा काम हो गया। हमें नया अलग सोच के कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर रोज एक संगठन बनाते हैं, नई बातें करते हैं, नई विचार को लाते हैं, लेकिन अंत में वो कहाँ पहुँचते हैं? वहीं जहाँ चलते हैं। इसलिए हमें नए रास्ते तलाशने की जरूरत नहीं है। अगर हमें वही बने बनाए रास्ते को ही अपना लें, अपने महापुरुषों के किए कार्यों को ही हम दोहरा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। समय की कमी की वजह से मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं रख सकता। थैंक यू।